नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकेश गौतम और एक बार फिर से हाजिर हूं आपको हंसाने गुदगुदाने के लिए। हाल ही में हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। मना सकते हैं, पुरुषों का तो कोई दिवस होता नहीं, महिलाएं ही हैं जो शक्ति है, पुरुष तो सिर्फ सहन शक्ति है। शादी के समय हर व्यक्ति को उसकी पत्नी बड़ी रोमांटिक नजर आती है, शादी के 2 साल बाद पत्नी का रोम रोम एंटिक नजर आता है। शादी के समय हर महिला कहती है तेरी जिंदगी को जन्नत बना दूंगी, शादी के बाद समझ में आता है कि उसे मैगी बनानी भी नहीं आती। अच्छा, शादी के समय हर पुरुष भी सोचता है कि वो दुनिया बदल देगा, वो तो शादी के बाद समझ में आता है कि अपनी मर्जी से बेचारा टीवी का चैनल भी नहीं बदल सकता। सच तो यह है कि मोहब्बत आदमी को अंधा बना देती है और शादी उसकी आंख खोल देती है। शादी क्या होती है ये जानने के लिए एक वैज्ञानिक ने शादी की। शादी क्या होती है ये जानने के लिए एक वैज्ञानिक ने शादी की। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा कि विज्ञान क्या होता है। वैसे भी पति बेचारा होता है, बहुत बेचारा होता है पति। जो अमृत पीते हैं उन्हें देव कहते हैं, जो अमृत पीते हैं उन्हें देव कहते हैं, जो विष पीते हैं उन्हें महादेव कहते हैं, और जो विष पीकर भी अमृत जैसा मुंह बनाए उन्हें पति देव कहते हैं। अच्छा, मेरी पत्नी बड़ी होशियार है। मैंने पिछले दिनों इंश्योरेंस कराया, एक इंश्योरेंस एजेंट मेरे पास आया, मेरा दोस्त था, मैंने उसके कहने में आके इंश्योरेंस कराया और ये बात आके मैंने घर में अपनी पत्नी से बताई। कहा पत्नी से कि मैंने 25 लाख का बीमा करवाया है। पत्नी इतनी इंटेलिजेंट बोली, मुझे तो सच्ची खुशी उस दिन होगी जिस दिन पैसा हाथ में आ जाए। अच्छा, कुछ महिलाएं बड़ी भोली होती हैं। हमारे यहां से एक महिला बेचारी फ्रूट्स मार्केट गई, वहां से एप्पल लेकर आई, 1 किलो एप्पल घर लेके आई, पहला एप्पल काटा उसमें से कीड़ा निकला, वापिस गई धंधाते हुए फ्रूट्स मार्केट में, कैसा एप्पल दिया, पहला एप्पल काटा उसमें से कीड़ा निकला। एप्पल वाला, फ्रूट्स मार्केट वाला कॉन्फिडेंस, बोले बहन जी अपनी अपनी किस्मत की बात होती है। एक और बहन जी अभी अभी 1 किलो एप्पल लेके गई थी, उसके एप्पल में से तो डायमंड रिंग निकली, हो सकता है अगले एप्पल में से नेकलेस निकल जाए। ये बेचारी 1 किलो वापस करने गई थी, उल्टे 5 किलो लेके आ गई। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि महिलाओं का हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये महिला ही है जो हम बच्चों के बापू को बच्चों का बापू बना के रखती है, वरना हम जैसे बच्चों के बापू को उस आश्रम वाले बापू जैसा बनने में टाइम नहीं लगता। और मुझे तो याद आता है, हमारी मुंबई की एक वरिष्ठ कवित्री है, उनकी वो 4 लाइनें मुझे याद आती हैं कि धन्य है वो पिता, मैं महिलाओं के सम्मान में वो 4 लाइनें हमारी उस कवित्री की 4 लाइनें आप तक पहुंचाना चाहता हूं। कोई मतलब महिलाओं की कोई आलोचना नहीं, महिलाओं के सम्मान में 4 लाइनें पहुंचाना चाहता हूं कि धन्य है वो पिता जो बेटी वाला है, धन्य है वो पिता जो बेटी वाला है, धन्य हुई माँ जिसने जन्मी बाला है। अरे बेटा तो होता है दीपक एक कुल का, बेटी दो दो कुल में करे उजाला है। इस उजाले को बनाए रखिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन दबाना, लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम हाजिर होते रहेंगे आपके बीच बहुत अच्छे अच्छे कॉमेडी के वीडियोज के साथ। थैंक यू।